Hello friends, good morning to all. Today I am going to explain chapter number 2 of chemistry. Chapter name is acids, bases and salts. Friends, this is the name of chapter, acids, bases and salts. Friends, firstly I introduce the name of chapter. चैप्टर का जो नेम है स्टूडेंट वो है एसिड बेस एंड साल्ट। अब क्वेश्चन है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और साल्ट्स क्या होते हैं। ओके, तो बिफोर आई एक्सप्लेनिंग दिस आई एक्सप्लेन वन इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कंपाउंड। स्टूडेंट कंपाउंड क्या होता है ना? कंपाउंड बेटा एक प्योर सब्सटेंस होता है। क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ टू आर मोर एटम्स। जो दो या दो से अधिक एटम से बना होगा ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब वो एटम जो होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, ये भी एक कंडीशन है। एंड आर केमिकली कंबाइंड अब वो एक केमिकली बॉन्डेड होंगे, केमिकली कंबाइंड होंगे, केमिकली कंबाइंड का मतलब है वो किसी ना किसी एक केमिकल बॉन्ड से बंधे होंगे। ओके, इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में वो एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक प्योर सब्सटेंस बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। इसी को कंपाउंड कहा जाता है। ओके, तो कंपाउंड बेटा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो दो या दो से अधिक एटम से मिलके बने होते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं और ये एटम आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं, वो भी फिक्स्ड रेशियो में। आई एक्सप्लेन हियर फॉर एग्जांपल, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, यहां पर इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो HCl। यहाँ पे H और Cl ने आपस में कॉम्बिनेशन किया है और एक कंपाउंड बनाया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना किससे है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटम 1 है और क्लोरीन का 1 है। ओके, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो भी फिक्स रेशियो में हुआ है। वो रेशियो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। ओके, तो जो रेशियो होगा वो 1:35.5 ही होगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट?
तो कितना रेशियो होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन का यहाँ पे 1:35.5। ओके, अब ये केमिकली बॉन्डेड है। केमिकली बॉन्डेड कैसे है, देखिए H के हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट। अब ये दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन्होंने क्या किया, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद एक बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। ओके, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुई है तो इसलिए ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, तो इस टाइप से HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या है, बॉन्डेड है, केमिकली बॉन्डेड है। और कैसे, कितने रेशियो में बॉन्डेड है, 1:35.5। ओके स्टूडेंट, अगर आप ये डेसिमल रिमूव करना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आ जाएगा 2:71। कितना आएगा, 2:71। ओके क्लियर बेटा, तो ये भी रेशियो इसका हो सकता है, यस या नो। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द केमिकल कंपाउंड। ओके, आई एक्सप्लेन द डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके नाउ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि केमिकल कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड। ओके, तो केमिकल कंपाउंड इज ऑफ 2 टाइप्स, केमिकल कंपाउंड इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज एसिड, नंबर सेकेंड इज बेस, नंबर थर्ड इज साल्ट। ओके, तो टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड, टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल कंपाउंड इज ऑफ 2-3 टाइप्स। फर्स्ट इज एसिड्स, सेकेंड इज बेसेस, और थर्ड इज साल्ट्स। ओके, तो 3 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। अब क्वेश्चन है कि एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, है ना, एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स का मीन होता है स्ट्रेंथ, एसिड्स का मीन होता है, दिस वर्ड इज ओरिजिनेट फ्रॉम एसिडस, एसिडस वर्ड से ये ड्राइव किया गया एसिड, जिसका मीनिंग होता है शॉर्टेस्ट। क्या मीनिंग होता है बेटा, शॉर्टेस्ट। ओके, तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका टेस्ट कैसा होता है, शॉर्ट। ओके, जो शॉर्ट टेस्ट के होते हैं वो केमिकल कंपाउंड एसिड कहलाते हैं। ओके क्लियर, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एसिड्स। ओके नाउ बेसिस, बेसिस जो वर्ड है इसका मीन होता है बिटर। क्या मीनिंग होता है, बिटर। ओके, तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका टेस्ट कैसा हो, बिटर टेस्ट हो, तो वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, बेस कहलाते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट इज साल्ट, साल्ट बेटा क्या होते हैं, साल्ट ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक साल्ट होता है, एक कंपाउंड बनता है साल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो क्या, एक होगा साल्ट और दूसरा होगा वाटर। ओके क्लियर बेटा, तो यहाँ पे साल्ट क्या है, तो साल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म बाई एसिड एंड बेस। ओके, एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद जो केमिकल कंपाउंड बनता है उनमें एक क्या होता है स्टूडेंट, साल्ट। ओके, साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड किससे मिलके बना होता है स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड बना होता है कैटायन एंड एनायन से। ओके, तो इट इज अ
the compound which is formed by which is formed formed cation by cation and anion. Cation and anion. Okay. This is the definition of the salt. जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे एसिड में HCl ले रहा हूँ और बेस NaOH. ओके तो क्या साल बनेगा देखिए Na और Cl रिएक्ट करेंगे तो NaCl बन जाएगा एंड OH और H क्या बनाएगा वाटर. ओके तो यहाँ NaCl क्या है स्ट्रेंड साल्ट क्या है स्ट्रेंड साल्ट. ओके अब एसिड के एग्जांपल से जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, यस या नो बेटा. ना बेसिस एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, बेसिस का एग्जांपल है NaOH. ओके KOH